नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसे आतंकवादियों का घर कहा गया है, जहां आतंकवादियों का जन्म होता आया है। ये आप और हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहती हैं वो सुर्खियां जो अक्सर हमारे कानों में पड़ती हैं। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप कि पाकिस्तान आतंकवादियों को न जाने कितने सालों से पना देता आया है। ये बात ना तो किसी से छिपी है और ना ही कभी छिप पाएगी। लगातार भारत पर होने वाले आतंकवादी हमलों की आवाजें चीख चीख कर कहती हैं कि आतंकवादियों का बसेरा पाकिस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान आज तक इस बात को हमेशा नकारता आया है। लेकिन अब खुद अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कबूलनामा सामने आ गया है। इमरान खान ने ये कबूल किया है कि पाकिस्तान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 से 40 हजार आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। हालांकि उसने इसका जिम्मेदार पिछली सरकारों को ठहराया है और पाकिस्तान के इस कबूलनामे के साथ भारत के दावे पर भी अब मोहर लग गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का ऐसा कोई भी शहर बाकी नहीं है जिसका आतंकवादियों से कोई रिश्ता नाता ना हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने देश के सामने इस बात को कबूला है, जिसे भारत ने न जाने कितने वर्षों पहले ही घोषित कर दिया था। इमरान खान ने इस बात को कबूल किया है कि उनके यहाँ 40 आतंकी संगठन मौजूद हैं। पाकिस्तान आज तक हमें गुमराह करता आया है। दहशतगर्दी का कारोबार इन आतंकी संगठनों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के न जाने कितने मुल्कों में फैलाया है। पाकिस्तान में मौजूद सईद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी भारत के खिलाफ तमाम साजिशें रचते आए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक पाकिस्तान इस बात को झुटलाता रहेगा? आखिर क्यों पाकिस्तान इतना समय लगा रहा है ये कबूलने में कि आतंकवादियों को पनाह वही देते हैं? आज आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है पाकिस्तान, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने इस बात को नहीं कबूला था। लेकिन आखिरकार इमरान खान को इस बात का कबूलनामा देना ही पड़ा ताकि पाकिस्तान में पनप रहे दहशतगर्दों का जल्द ही सफाया हो सके। फिलहाल ये सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि पाकिस्तान इस बयान के बाद अगला कदम क्या उठाएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इस बड़ी खबर से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। नमस्कार।